घोसी लोकसभा क्षेत्र के लोकसभा चुनाव का 1 तारीख को मतदान होगा, उससे पहले हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं मऊ के, और उनसे जानते हैं कि घोसी लोकसभा में क्या माहौल चल रहा है। देखना है ये कि 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, कौन किस पर भारी पड़ता है, इनसे जानते हैं, क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं और ये हर जगह जाते हैं। और क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? देखिए, माहौल इस समय जो 1 जून को यहाँ पे मतदान होना है, मात्र 2 दिन और शेष बचा है। प्रचार प्रसार कल शाम को यानी 24 घंटा पहले बंद हो जाएगा। इस समय काफ़ी माहौल गर्म है घोसी लोकसभा का। तमाम बड़ी पार्टियां यहां पे अपनी रैली कर चुकी हैं। कल इसी क्रम में अखिलेश यादव आ रहे हैं, इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट मंत्री आज के डेट में भी, जैसे कि दारा सिंह चौहान कारागार मंत्री हैं, AK शर्मा नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री हैं और ओम प्रकाश राजभर खुद मंत्री हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार हफ्तों से कैंप किए हुए हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, 1 हफ्ता यहाँ पर कैंप करके लोगों संपर्क करके यहां से जा चुके हैं। इस प्रकार अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी 1 दिन पहले डिंपल यादव यहां पे कैंप की थी और 10 दिन से लगातार इस सीट के लिए जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, काडर नेता माने जाते हैं शिवपाल यादव जी, लगातार 10 दिन से यहां पर जमे हुए हैं। अभी रामगोपाल यादव जी भी कार्यकर्ता मीटिंग लिए, बैठक लिए और कल अखिलेश यादव आ रहे हैं। चुनावी माहौल काफ़ी गर्म है। इस बीच अब आपको बता दें कि तीनों पार्टियां बहुत ज़बरदस्त चुनाव लड़ रही हैं। अब 1 जून को जब मतदान होगा तो किस तरीके से यह लोग मतदान करेंगे यह देखना होगा। लेकिन दोनों इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन में जिस प्रकार काफ़ी जोर आजमाइश की जा रही है, पूरे देश में यह सीट काफ़ी खास बनी हुई है। इंडिया और BSP तीनों प्रत्याशी जातिगत आंकड़ों को लेकर बिल्कुल, देखिए यह पूर्वांचल का क्षेत्र है, पूर्वांचल में जाति के आधार पे ही वोट होता है। मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल के खास तौर से ये जो घोसी लोकसभा सीट है, ये जो 4-5 अगल बगल की सीटें हैं, यहाँ पे कोई विकास की बात नहीं करता, विकास के नाम पे ना वोट पाता है ना विकास की यहाँ जनता यहाँ की भी सिर्फ जातिगत आधार पे ही वोट करती है। और जिस जाति का वोट ज्यादा रहेगा, जिस जाति का जिस पार्टी को वोट ज्यादा मिलेगा, वही यहाँ से विजयी होगा। क्या नाम है और किस पे खर्च है? मेरा नाम धर्मेंद्र भारद्वाज है और संसदवाड़ी से है। क्या माहौल चल रहा है घोसी लोकसभा? माहौल तो देखिए बहुत ही अच्छा चल रहा है और तमाम 2 दिन शेष बचे हुए हैं और 2 शेष में अब सभी पहलवान अपनी अपनी ताकत को आजमा रहे हैं और कहना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी पार्टी किस तरीके का प्रोफेशन करती है। लेकिन 1 जून के बाद जब ये 4 जून को पिटारा खुलता है तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन यहाँ का सांसद होता है। लेकिन लड़ाई त्रिकोणी है। कौन कौन लड़ रहे हैं और क्या क्या माहौल जनता अभी तक ले आपने देखा? देखिए यहाँ से इंडिया गठबंधन से राजू राय आ गए हैं प्रत्याशी के, घोसी प्रत्याशी हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से बालकृष्ण चौहान में ताल ठोक दिया। माहौल तीनों का? माहौल देखिए तीनों का ज़बरदस्त है, किसी में कोई कमी नहीं है, लेकिन जाति समीकरण यहाँ फैक्ट करेगा। और ये भैया ने अभी बोला है कि ये पूर्वांचल है, यहाँ विकास के नाम पर नहीं जाति के नाम पर वोटिंग होती है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम मुद्दे हैं सबके पास। और भी लोग, क्या माहौल चल रहा है घोसी का? घोसी का माहौल बिल्कुल चुनावी पारा चढ़ा हुआ है और जो दोनों गठबंधन है उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है और दोनों गठबंधनों की तरफ से तमाम जो उनके बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री तक यहाँ पे आ गए NDA का प्रचार करने के लिए, मुख्यमंत्री आए, DC आए, तमाम बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है वो कमल का सिंबल नहीं है, यहाँ पे छड़ी के निशान पे चुनाव वोट देना होगा लोगों को और भारतीय जनता पार्टी छड़ी पे निशान यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। ऐसे में ये थोड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी इसकी वजह से थोड़ी कमज़ोर होती नज़र आ रही है। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं राजीव राय, जो पहले भी चुनाव लड़े उसके बाद भी यहाँ पे क्षेत्र में लगातार बने हुए थे और एक जाना पहचाना हुआ चेहरा है लोगों के लिए, तो राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो मजबूत है काफ़ी और समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर के पाले में जो ओम प्रकाश राजभर की झोली में टिकट चले जाने की वजह से भी समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी आसानी लगता है हो गई है। और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी तमाम सीटों पर ही वो तीसरे नंबर की पे एक अपना स्थान उसका बना हुआ है। और हाँ ये ज़रूर है कि बसपा के लड़ने से और कौन प्रत्याशी लड़ रहा है बसपा से, इससे ये तय होता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा।
कौन हारेगा उसके बाद तो 1 तारीख के बाद ही पता चलेगा क्या माहौल चल रहा है। माहौल तो यहाँ की जनता सिर्फ विकास को लेकर के, यही मुद्दा है जनता का, जनता शिक्षा को लेकर के बात कर रही है, जनता स्वास्थ्य को लेकर के बात कर रही है, यही चल रहा है माहौल कोसी मैदान में। कौन आगे? देखिए यहाँ पर तो देखने में तो यही मिल रहा है कि जो NDA के प्रत्याशी अरविंद राजभर हैं वो हैं, और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय हैं, यही दोनों में टक्कर दिख रही है। क्योंकि जो बसपा की है, बसपा तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनएक्टिव नज़र आ रही है, पब्लिक के बीच में जा नहीं रही है। जिन लोगों का कहना इसी तरह है कि वो हमारे बीच आ ही नहीं रहे हैं। क्या माहौल चल रहा है घोसी का? घोसी का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय, इतना तेज़ी से चल रहा है कि मुझे जहाँ तक लग रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में और कई जगह हम लोग जा करके अपना ज़मीनी स्तर से कवरेज किए हैं तो ज़्यादातर साइकिल के लोग जा रहे हैं और साइकिल का नाम ज़्यादा यानी बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के अलावा ये भी चाहते हैं कि जो ये कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो मुझे हाँ प्रकाश राजभर मंत्री हैं, लेकिन प्रकाश को लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे क्योंकि वो आदमी अपने जबान से इतना अलग भाषा यूज करता है कि लोगों को ये पसंद नहीं आती, इसलिए वो आदमी को निगलेक्ट करना जा रहा है। और भी लोग उनसे भी जानते हैं क्या माहौल चल रहा है घोसी का? अरे माहौल पूछिए मत, माहौल तो इतना ज़बरदस्त चल रहा है कि तीनों नेताओं की जो पार्टियाँ हैं तीनों आपस में इतनी ज़बरदस्त टकरा रही हैं, इतनी ज़बरदस्त संघर्ष कर रही हैं, ये तो बताया गया 1 जून को और 4 जून को फाइनल हो जाएगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी के राजीव राय और आपके अरविंद राजभर जो है और BSP से बालकृष्ण चौहान है, तीनों में ज़बरदस्त देखा जा रहा है। शुरू से ही आपसी जंग, आपसी लड़ाई लगातार इस चुनाव को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और जहाँ तक देखा जाए कि ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो गया है मऊ जनपद के लिए, मऊ घोसी लोकसभा के लिए, कि सबकी नज़रें खासतौर से जो विरोधी नेता है, विरोधी पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, हर तरह के नेता, हर प्रकार के नेता, हर केंद्रीय मंत्री, विधान प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के, आपके देखा जाए शिवपाल सिंह यादव वगैरह हैं और संजय सिंह का भी आगमन हुआ है, जो अपने भाषणों से, जो अपनी बातों से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप मेरे पक्ष में मतदान करें, संविधान खतरे में, इस तरह के लालच दे करके लोगों को लुभाया जा रहा है। और क्या होगा 1 जून को ये तो समय बताएगा, यानी देखा जाएगा तो वोटों की बरसात होगी 1 जून की, और 4 जून को वोटों की जो बरसात होगी इसका वो वोट क्या बरसात में क्या रिजल्ट आएगा, कितना पानी बरसेगा, कितना क्या गिरेगा, तो समय 4 जून को बताएगा। फिलहाल मामला बहुत गंभीर है, अभी देखा जाए तो 1st, 2nd, 3rd का नंबर लगा, मगर फिर भी देखा जाए तो राजीव राय की पोजीशन अच्छी है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो NDA प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय में टक्कर देखने को बताया जा रहा है, और पत्रकार भी बुद्धिजीवी वर्ग होता है और कहीं ना कहीं इनके में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और NDA और इंडिया के जो गठबंधन के प्रत्याशी, इनके में काफ़ी टक्कर हो सकती है घोसी में। न्यूज 18 के साथ अभिषेक राय मऊ।